तो 15 मिनट टाइम फ्रेम में क्लियरली देख सकते हो मार्केट यहाँ पे ओपन होने के बाद ये मेजर ट्रेडिंग जोन को टेस्ट किया एंड यहाँ से ली रिजेक्शन। तो यहाँ पे मैंने पोजीशन बनाया था, अच्छा खासा प्रॉफिट मैंने यहाँ पे बुक की। 3 ट्रेड्स ऑलरेडी डन हो चुका है, 2 मोर ट्रेड्स अब हम यहाँ पे करेंगे इनिशिएट। हेलो फ्रेंड्स, ऑप्शन स्कल्पिंग विद 20,000 कैपिटल सीरीज की डे नंबर 8 में आपका स्वागत है। आज का डेट है ट्यूसडे 18 जून एंड 1:48 हो चुका है। चलिए आज के दिन भी हमने ट्रेड लिए थे, अच्छा खासा प्रॉफिट हमने बुक किया है, लेट मी शो यू 2,200। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि प्रीवियस डे यानी 14 जून को भी मैंने ट्रेड्स लिए थे एंड बहुत ज़्यादा बिजी था। ये जो वीडियोस है, इस वीडियो में मैंने बताया था कितना प्रॉफिट हमने बुक किए थे, अराउंड 4,000 रुपीज़ एंड बहुत ज़्यादा ट्रेड्स लिए थे, राइट। हमारा कैपिटल बहुत ही कम है तो थोड़ा एग्रेसिवली मैंने ट्रेड किए थे उस दिन, सुबह सुबह प्रॉफिट हो गया था एंड देन उस प्रॉफिट को इस्तेमाल करके प्रॉपर सेल के साथ मैंने ज़्यादा ट्रेड्स लिया था। तो मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस दिखाना चाहूँगा सबसे पहले। चलो यहाँ पे अगर देखें, ये है रियलाइज्ड पीएनएल, 3 डेज लॉसेस, लिमिटेड लॉस एंड प्रॉफिट आप देख सकते हो। एंड कुल मिला के हमारा जो नेट रियलाइज्ड पीएनएल चार्जेस डिडक्ट हो जाने के बाद 3,637 हम प्रॉफिट में है। ओके, तो ये था 14 जून का ट्रेड जो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। तो 7th का जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो मैं आपको यहाँ पे दिखा दिया। अब चलते हैं आज के दिन का। आज भी मैंने इस सीरीज का रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि मुझे 2-3 वीडियोस बनाना था। ये देखिए, ये जो वीडियोस है, ये वीडियो मैंने बनाया एंड उसके साथ साथ क्रिप्टो का भी मैंने वीडियोस बना रहे थे, तो इसमें मुझे मौका नहीं मिला। तो अभी भी देखिए यहाँ पे हम एक मॉडिफिकेशन करने जा रहे हैं क्योंकि हमारा जो कैपिटल है ना, कैपिटल को ग्रो करवाना है। तो जो ट्रेड्स है वो ट्रेड्स हम डेली लिमिट 5 करते हैं, मैक्स टू मैक्स 5 ट्रेड, इससे ज़्यादा हम ट्रेड्स नहीं लेंगे। ओके, 5 ट्रेड्स, पहले तो 3 था, अभी हम 5 कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम छोटा मूव को पकड़ के ट्रेड करते हैं, स्टॉप लॉस छोटा होता है एंड इजीली स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं। स्टॉप लॉस को वैसे भी मैं ट्रेल कर देता हूं, देन मैं पोजीशन नहीं बनाता। तो अगर ऐसा होते हैं तो हम कैपिटल को ग्रो नहीं कर पाएंगे, जैसे कि हमारा छोटा सा प्रॉफिट होता है। तो अकॉर्डिंग स्कल्पिंग, जहां पे ट्रेड ज़्यादा होते हैं लेकिन स्टॉप लॉस पॉइंट या प्रॉफिट पॉइंट्स कम होते हैं। अभी 2 ट्रेड्स अभी हम इनिशिएट करेंगे। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम आप क्लियरली देख सकते हो मार्केट यहाँ पे ओपन होने के बाद ये मेजर ट्रेडिंग जोन को टेस्ट किया एंड यहाँ से ली रिजेक्शन, बढ़िया सपोर्ट लिया। तो यहाँ पे मैंने पोजीशन बनाया था, अच्छा खासा प्रॉफिट मैंने यहाँ पे बुक की। उसके बाद यहाँ पे इस लेवल की ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे मैंने एंट्री लिया था और वहाँ पे मुझे लॉसेस झेलना पड़ा, थोड़ा सा लॉस हुआ क्योंकि यहाँ पे देखे एक रिट्रेस आया था, बड़ा सा रिट्रेस। तो फिर इसने जब से ब्रेक किया था देन मैं यहाँ पे एंट्री लिया था और फिर फाइनली हमने प्रॉफिट बुक किया। 3 ट्रेड्स ऑलरेडी डन हो चुका है, 2 मोर ट्रेड्स अब हम यहाँ पे करेंगे इनिशिएट। तो वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिए। आज के दिन का जो मूव है, ये जो 3-4 डेज का रेजिस्टेंस था, बार बार यहाँ पे हाई लगा के नीचे की तरफ जा रहे थे, तो उस लेवल की अभी हो चुका है ब्रेकआउट, 350 के अबव अभी सस्टेन कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी आज के दिन की अगर देखें 15 मिनट यहाँ पे बहुत देर तक सस्टेन किया, देन फाइनली ब्रेक हुआ एंड फिर रिट्रेस, छोटा सा रिट्रेस अगर मिल जाए तो यहाँ से हम लॉन्ग साइड जा सकते हैं क्योंकि लोग यहाँ पे एंट्री लेने की कोशिश करेगा। जैसे इसमें जैसे प्राइस इस पॉइंट पे आएगा, जो लोग नहीं ले पाए वो लोग एंट्री करने के लिए कोशिश करेगा, जंप करेगा, दैट्स वाई यहाँ पे डिमांड देखने को मिलेगा और प्राइस ऊपर की तरफ जा सकता है। तो इस लॉजिक को नजर रखते हैं हम यहाँ पे लेंगे एंट्री विद प्रॉपर एसएल, लॉस बड़ा नहीं होना चाहिए। देखिए बढ़िया रिट्रेस मिला है, चलो यहाँ पे 100 को सिलेक्ट कर लेते हैं, 50,100 एंड यहाँ से मैं जस्ट 2 लॉट, अभी थोड़ा क्वांटिटी भी हम इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो चलिए 2 क्वांटिटी के साथ कर चुका हूँ एंट्री, थोड़ा सा रिट्रेस तो मिल रहा है। 346 के साथ यहाँ पे एसएल प्लेस करना चाहूँगा और ये एंजल 1 की टर्मिनल है, चार्ट के ऊपर इजीली आप इस तरह ट्रेड कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे 2 कर देता हूँ, मार्केट यहाँ तक एक बार रिट्रेस ले सकता है। मैं यहाँ पे कॉल साइड में क्यों, क्योंकि ओवरऑल आप ट्रेंड देखो 15 मिनट पे आप क्लियरली देख सकते हो, इट्स बुलिश, राइट। तो अगर मुझे स्कल्पिंग करना है तो पहले साइड तो चूज कर लो, साइड हमारा कॉल है, रिट्रेस मिला है, यहाँ से देखो 413 हाई लगा के 360 के आसपास है, सो दैट्स व्हाई आई टू पोजीशन है। ओके, अब हमको क्या करना है, स्टॉप लॉस को ट्रेल करके चलना है, लॉस हमेशा लिमिट करके आगे बढ़ना है। ओके, स्टॉप लॉस को बिल्कुल ये जो स्विंग बनाया था यहाँ से मैं ट्रेल कर देता हूँ, इजीली ट्रेल हो जाते हैं। ओके, अगर आपको स्कल्पिंग करना है तो एक अच्छा ब्रोकर में आपका अकाउंट होना चाहिए, आप चाहे धन में या एंजल वन में अकाउंट ओपन कर सकते हो, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। धन में 10 रुपीज़ पर ऑर्डर के हिसाब से चार्ज करते हैं फीमेल कस्टमर के लिए और उनका कोई एनुअल मेंटेन चार्जेस भी नहीं होता।
तो चलिए यहाँ पे हमको बढ़िया प्रॉफिट मिल रहा है एंड आई एम गोइंग टू क्लोज, एंड रीजन बिल्कुल सेम है कि अभी देखिए इस लेवल को टेस्ट कर रहा है, दैट्स व्हाई आई एग्जिटेड हियर। एंड अगर मुझे थोड़ा और नीचे मिले तो कितना प्रॉफिट हमने यहाँ पे बनाया, 658 रुपीस के आसपास हमने प्रॉफिट बनाया। 68 पे एंट्री लिया गया था, 390 के आसपास हमने एग्जिट किया। इट्स ओके, थोड़ा रिट्रेस और आने दो, देन हम फिर सोचेंगे। तो अभी टाइम 2:15 है, यहाँ पे लो लगा दिया 365 तक, राइट। हम अनदर स्ट्राइक को चूज़ करते हैं, फार इन द मनी चलते हैं एंड जस्ट वन लॉट के साथ हम यहाँ पे लेंगे एंट्री। 635 के आसपास चल रहा है एंड रिट्रेस लिया, रिट्रेस में देखिए अच्छा खासा रिट्रेस हुआ था, ठीक है। हमने इसी कैंडल पे एग्जिट लिए थे, ये जो कैंडल है, एंड देन रिट्रेस गया 380 एंड राइट नाउ इसने 70 पॉइंट के आसपास मूव लगा दिया है। थोड़ा और इंतज़ार करते हैं एंड फिर हम लेंगे। नाउ देखिए यहाँ पे 627 के आसपास मिल रहा है एंड मार्केट नीचे की तरफ आने का नाम नहीं कर रहा है, तो चलिए मैं लास्ट ट्रेड इनिशिएट कर चुका हूँ। अगर हमको ऐसे लगते हैं तो हम वन मोर लॉट ऐड करेंगे, अगर अपसाइड बहुत तेज़ी से मोमेंटम के साथ चाहते हैं, अदरवाइज स्टॉप लॉस प्लेस करते हैं। जस्ट ये जो स्विंग है, स्विंग लो स्केप बिलो 603, ओके 4 के आसपास मैंने कर दिया है। ये जो स्ट्राइक है, स्ट्राइक का आप डेल्टा अगर देखें तो 0.8 के आसपास है, ओके। इसलिए यहाँ पे स्टॉप लॉस भी थोड़ा बड़ा रखना पड़ेगा एंड टारगेट भी, ओके। सो फिर भी मैं यहाँ पे टारगेट छोटा ही रखा क्योंकि मैं कोई OTM में ट्रेड नहीं कर रहा हूँ या ATM, ए फार इन द मनी। एंड वन मोर थिंग मैं आपको बताना चाहूँगा, जो न्यू ट्रेडर है वो आते ही ऑप्शन ट्रेडिंग, ऑप्शन बाइंग, ये बिल्कुल OTM ऑप्शन बाई करने लग जाते हैं। वो करने से पहले मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा, आप पहले सीख लो ये जो दोनों कोर्सेस है, ये कोर्सेस नॉट फॉर सेल, बिल्कुल फ्री है। आप अगर हमारे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करते हो, और बाई मत कीजिएगा, बाई करेंगे तो प्रॉब्लम आएगा। ये लोग उन लोगों के लिए डिज़ाइन किए गए जो लोग हमारे अंडर अकाउंट ओपन किए, ठीक है। अगर जीरोधा में अकाउंट ओपन करते हो तो दोनों कोर्सेस आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा, और आप अगर किसी और ब्रोकर में अकाउंट ओपन करते हो तो एक कोर्स यहाँ पे मिलेगा। किसी भी कोर्स में आके यहाँ पे कंटेंट में जाके आप देख लो कि आपको सीखने को क्या मिलेगा। बहुत सारे चीज़ें मैं यहाँ पे एक्सप्लेन किया हूँ बिगिनर्स के लिए, मोर देन 3 आवर्स ड्यूरेशन का आपको कंटेंट मिल जाएगा। तो आप अकाउंट ओपन करने के बाद एक ट्रेड कीजिए उस अकाउंट में एंड देन यहाँ पे इस व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर दीजिएगा स्क्रीनशॉट, देन हमारी टीम वेरीफाई करके आपको कूपन कोड प्रोवाइड कराएगा। ओके, अभी देखो इसने 134 के आसपास प्रॉफिट दे रहा है। चलो अभी मैं वन मोर लॉट यहाँ पे इनिशिएट कर चुका हूँ एंड दो, एंड राइट नाउ स्टॉप लॉस को भी ट्रेल कर दूंगा एंड जस्ट यार इस कैंडल के बिलो जैसे मैंने दो क्वांटिटी लिया, अगर ऐसे हिट हो जाते हैं वापस आके तो ज़्यादा बड़ा लॉस नहीं होना चाहिए, ओके। कोशिश और कोशिश कर रहे हैं, अगर इस लेवल की ब्रेकआउट हो जाते हैं 460 के आसपास तो बढ़िया मूव यहाँ पे एक्सपेक्ट करके हम चल सकते हैं। 300 समथिंग प्रॉफिट राइट नाउ, मैं तो कोशिश करता हूँ कि लॉस को लिमिट किया जाए, यहाँ पे मैं कर दूँ फिर आके तब भी 20 पॉइंट का SL मेंटेन रहेगा। अब अगर आके SL भी हिट होते हैं तो ज़्यादा बड़ा लॉस नहीं होने वाला। ओके, यहाँ पे देखिए अबाउट टू हिट SL, जस्ट 3-4 पॉइंट्स का गैप है, कभी भी हिट कर सकता है 29। चलो मैक्स टू मैक्स यहाँ पे 200 हमारा लॉस होने वाला, इससे ज़्यादा नहीं। ओके, बढ़िया जाम स्पाइक देखो, क्योंकि ये इंदा मनी है ना, तो इस तरह की कॉन्ट्रैक्ट में लिक्विडिटी का थोड़ा प्रॉब्लम होते हैं। 400 अप्रॉक्स प्रॉफिट, ओके गाइस, बहुत देर तक ऊपर में सस्टेन किया एंड देन आके हम पे कर चुका है SL 8, 400-500 समथिंग प्रॉफिट हो रहा था, बट फिर फाइनली आके ट्रेल SL कर चुका है हिट एंड कितना लॉस किया इस ट्रेड से, 201 रुपीस लॉस बुक फ्रॉम दिस ट्रेड एंड 5 ट्रेड्स हो चुका है डन आज के दिन। करते हैं हिंट यहाँ पे, कुछ भी क्वेरीज है फिल फिट ऑस्कॉन कॉमेंट सेक्शन एंड एवरीथिंग मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर चुका हूँ। सबसे पहले आप डायरेक्शन फाइंड आउट करो, डायरेक्शन फाइंड आउट हो जाने के बाद रिट्रेस में लो एंट्री,
ओके, अगर आप कॉल साइड चूज किए हैं तो मार्केट को थोड़ा नीचे आने दो, देन आप एंट्री लो ताकि आप प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ, छोटा स्टॉप लॉस के साथ एंट्री ले पाओ। कभी भी लॉस को बड़ा नहीं होने देना है। और स्कैल्पिंग करने के लिए बहुत ही अच्छा ट्रेडिंग टर्मिनल होना चाहिए, क्योंकि स्कैल्पिंग एक रिस्कीस्ट ट्रेडिंग सेगमेंट है। तो अगर आपको करना है तो अच्छा ब्रोकर में अकाउंट ओपन होना चाहिए। एंजल वन या धन में आप अकाउंट ओपन कर सकते हो, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।